हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ईयर एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट। जितने भी एनसीईआरटी में आपको ईयर्स दिए गए हैं और साइंटिस्ट के क्या कंट्रीब्यूशन रहे उनके बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में क्योंकि आपके नेट एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। ईयर बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं आपसे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है 1770। 1770 में जोसेफ प्रिस्टली नाम के साइंटिस्ट ने बताया एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। 1774 में जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन डिस्कवर किया। देखिए, 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड न्यूक्लियस। सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया एंड डिस्क्राइब किया। 1839 में स्लाइडेन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने काम किया प्लांट सेल के ऊपर। 1839 में स्वान, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने काम किया बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स पर। देखिए, इन 1855 रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने एक टर्म दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन 1856 टू 1863 मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी पर। 7 साल तक इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पर। देखिए, 1860 में, इन 1860 जूलियस वॉन सैक्स नाम के साइंटिस्ट ने हाइड्रोपोनिक्स नाम की टेक्निक को डेवलप किया। इन 1865 मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश किया, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क। इन 1866 लैंगडन डाउन नाम के साइंटिस्ट ने डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया। इन 1869 फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया और इसका नाम रखा उन्होंने न्यूक्लिन, फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए एंड नेम्ड इट न्यूक्लिन। देखिए, इन 1891 हेंकिंग नाम के साइंटिस्ट ने बताया एक्स बॉडी के बारे में, और इसी एक्स बॉडी को आज हम जानते हैं एक्स क्रोमोसोम के नाम से, एक्स क्रोमोसोम्स। देखिए, इन 1891 जावा से कुछ फॉसिल डिस्कवर किए गए होमो इरेक्टस के। इन 1892 इवानोवस्की नाम के साइंटिस्ट ने वायरस को डिस्कवर किया। इन 1898 बिजेरेनिक नाम के साइंटिस्ट ने एक टर्म दिया कॉन्टेजियम वेवम फ्लूडम, और इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। इन 1898 कैमिलो गॉल्जी नाम के साइंटिस्ट ने गॉल्जी बॉडी को डिस्कवर किया, या गॉल्जी अपरेटस बोलते हैं हम लोग। देखिए, 1900 में, इन 1900 डेवरेस कोरेंस एंड शेरमार्क शेरमार्क इन तीन साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल्स के वर्क को, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। इन 1902, देखिए 1902 तक क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस वर्कड आउट। 1905 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो कि दिया गया ब्लैकमैन के द्वारा। देखिए, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, और इन्होंने एक बैक्टीरिया पर किया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। इन 1935 स्टेनली ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया, उन्होंने बताया कि हम वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। इन 1937 रामदेव मिश्रा ऑब्टेंड पीएचडी इन इकोलॉजी फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी यूके। 1938 सीलो कैनफिश कॉट इन साउथ अफ्रीका। देखिए, 1945 फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरी इन तीन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया, अवार्डेड नोबेल प्राइज पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी और उसके फुल इफेक्टिव पोटेंशियल के बारे में बताने के लिए। इन 1950 वाटसन ऑब्टेंड पीएचडी ऑन अ स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टेरियोफेज मल्टीप्लीकेशन। देखिए, 1951 में इंडिया में फैमिली प्लानिंग की स्टार्टिंग की गई, फैमिली प्लानिंग स्टार्टेड इन इंडिया। देखिए, 1952
हर्शी एंड चेज नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज या फिर बैक्टीरियल वायरसेस पर, और उन्होंने इस बात को पूरी तरह से प्रूफ कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियल वायरसेस गिव्स अन इक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। देखिए, इन 1953 मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया, और अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मिथेन लिया, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर पेपर लिया। देखिए, 1953 में वाटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, अब वी डी एन ने, और उन्होंने रेप्लिकेशन स्कीम के बारे में बताया। इन 1953 जॉर्ज पैलेट ने सबसे पहले राइबोसोम्स को डिस्कवर किया। 1953 रामाचंद्रन ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन पब्लिश्ड इन नेचर। इन 1958 मिसेलसन एंड स्टॉल इन्होंने काम किया था इशर्चिया कोलाई पर, इन्होंने प्रूव कर दिया था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। इन 1958 टेलर ने काम किया वेसिया पावा पर, और इन्होंने भी यही प्रूफ किया सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यूकेरियोट्स। और हमें ध्यान ये रखना है कि जो मिसेलसन एंड स्टॉल ने वर्क किया था, इन्होंने किया था इशर्चिया कोलाई पर जो कि एक प्रोकैरियोट है, और जो टेलर ने अपना वर्क किया था ये किया था उन्होंने वेसिया फाबा पर जो कि एक यूकेरियोट है। लेकिन 1916 कैथरीन एसाउ, लेकिन 1962 वाटसन क्रिक एंड विल्किंस को दिया गया नोबेल प्राइज। 1963 बीट वैरायटी सोनालिका एंड कल्याण सोना को इंट्रोड्यूस कर दिया गया इंडिया में। इन 1963 टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टेरियोफेज इन एशर्सियो कलाई वेयर आइसोलेटेड। देखिए, इन 1966 डेरिवेटिव ऑफ IR8 एंथैचुम नेटिव वन इंट्रोड्यूस्ड। इन 1969 विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इन 1971 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP। देखिए, 1971 में, इन 1971 टीओ डायनर नाम के साइंटिस्ट ने वायरवर्ड्स को डिस्कवर किया। फ्री आरएनए होता है यहाँ पे, और इन पर कोई भी प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है, मतलब ये विदाउट कैप्सिड, मतलब इन पर कोई भी कैप्सिड की कोटिंग नहीं होती है। इन 1972 सिंगर एसजे सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूड मोजैक मॉडल के बारे में बताया। इन 1972 स्टैनली कोहेन एंड हार्बर्ट बॉयर फॉर्म्ड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। 1972 इस्टैब्लिशमेंट ऑफ NCEPC, और NCEPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इन 1974 वाटर एक्ट। इन 1980 ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और ये आपसे पूछा गया था 2018 में। इन 1981 एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड, सबसे पहले एड्स को रिपोर्ट किया गया 1981 में अमेरिका में, यूएसए में। इन 1981 एयर एक्ट आया। देखिए, 1983 में इली लिली नाम की कंपनी ने, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, सबसे पहले प्रोड्यूसेस इंसुलिन इन एशर्चिया कोलाई सबसे बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा इन्होंने सबसे पहले इंसुलिन को एशर्चिया कोलाई के अंदर प्रोड्यूस कराया। इन 1984 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोए, मोइफ का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इन 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया। देखिए, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, यह हुआ था कनाडा में। इन 1987 एयर एक्ट में कुछ अमेंडमेंट हुए, और इसको एयर एक्ट के अंदर नॉइस को इंक्लूड कर लिया गया। एयर एक्ट अमेंडेड टू इंक्लूड नॉइस एज एन एयर पॉल्यूटेंट्स। इन 1988 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इन 1989 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इफेक्टिव। देखिए, 1979 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इफेक्टिव हुआ।
1990 फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, इन 1990 ए जीपी लॉन्च्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इन 1992 द अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है। देखिए इन 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी, इट प्रोड्यूसेस ह्यूमन प्रोटीन इन रेस्ट मिल्क, द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। ठीक है, 1997 अमेरिकन कंपनी गॉट पैटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस। कह रहे 1997 में अमेरिकन कंपनी ने बासमती, हमारे बासमती राइस पर इन्होंने पैटेंट करा लिया था इन 1997। क्योटो प्रोटोकॉल यह हुआ था क्योटो जापान में। देखिए 2002 में हुआ वर्ल्ड समिट और यह हुआ था जोहान्सबर्ग में जो कि साउथ अफ्रीका में। इन 2002 ऑल बसेस ऑफ दिल्ली वेयर कन्वर्टेड बाय सीएनजी। कह रहे 2002 तक जितनी भी दिल्ली की बसेस थी या जितनी भी दिल्ली की बसेस थी सबको कन्वर्ट कर दिया गया सीएनजी में। इन 2005 नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री टू ग्रीन केमिस्ट्स, ये दिया गया चाउविन ग्राफ्स एंड श्रॉफ। तो ये थे आपके जितने भी एनसीईआरटी में आपको दिए गए थे ईयर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जो आपसे नेट में ईयर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मैंने करा दिया। तो एक नेट में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है तो इसलिए आप इनको याद रखिएगा। और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।